नमस्कार, लता बावर्ची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का एक नए तरीके से नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार अगर बनाकर खा लोगे तो आपको एकदम पक्का बार बार बनाने का मन करेगा। तो आइए हमने ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई कुछ भी लें और उसे हम गैस पर रख देंगे और तेल आधा चम्मच उसमें तेल डाल देंगे हम। और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम हींग और जीरे का तड़का दे देंगे और जब तड़का थोड़ा चटक जाए तो हम उसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो। तो हमने प्याज के साथ बीन्स भी काट के डाल दिए क्योंकि बीन्स भी का भी कच्चापन जो है सो वो निकल जाए, तो वो भी मैंने डाल दिए। और गाजर को कद्दूकस करके हमने डाले हैं और साथ में हरी मिर्च डाल दिए। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और भूनने के साथ साथ हम इसमें आधा चम्मच हल्दी भी डाल दिए क्योंकि मसाले तो डालना ज़रूरी है, जब तक मसाले डालेंगे नहीं तब तक टेस्टी बनेगा नहीं। उसके साथ हम कुटी हुई आधे चम्मच लाल मिर्च डाल दिए और डालकर इसे हम अपने भूनेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें काली गरम मसाला डाल रहे हैं और 1/4 ही हमने काली मिर्च भी डाली है और डालकर इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। अपने हिसाब से आप भूनें खुद देख कर कि हाँ अब ये लग रहा है कि हाँ अच्छी तरीके से भून चुका है, तो बिल्कुल अपने हिसाब से भूनें और बहुत ही अच्छी तरीके से जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसमें हम एक आलू और हमने उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दिया है ताकि टेस्ट जो है सो बहुत ही अच्छा है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ हमने एक चम्मच चाट मसाला भी डाला है ताकि टेस्ट और ज़्यादा आए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही भून के कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और तो चलिए अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और उसे डालकर भी हम उसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी डालें तो मुझे और ज़्यादा हौसला मिले और मैं अच्छी तरीके से बनाकर डालूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी थी और इसे हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम एक पैन में इतना तेल डालेंगे ताकि हम इसको ब्रेड को तल सकें। तो सबसे पहले हम जो लिए हैं 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और आप अपने हिसाब से लें क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा मैदा लगे, आप ज़्यादा बनाएं तो आपको ज़्यादा घोल की ज़रूरत हो, तो आप उस अनुसार से बनाएं। और आप देख सकते हैं कि घोल तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे और कलौंजी 1 चम्मच हम डालेंगे और डालकर इसे हम मिला देंगे घोल में। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और उसे भी डालकर हम इसे मिला देंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं और उसे डालकर उसे भी मिला देंगे। और इसके में स्वाद के अनुसार आप नमक भी डालें क्योंकि बिना नमक डाले तो टेस्ट ही नहीं आएगा, तो नमक तो डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके घोल के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से घोल लेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले एक ब्रेड लेते हैं और ब्रेड में जो हमने बनाकर सारी चीज़ें रखे थे हम इसे अच्छी तरीके से इसमें ब्रेड पर डाल देंगे और बिल्कुल एकदम इस तरीके से आप आराम से डालें कि पूरी ब्रेड में अच्छी तरीके से डल जाए। और ऊपर से हम एक ब्रेड रख देंगे और ब्रेड को अच्छी तरीके से दबाते हुए उसे सेट करेंगे। और हम दूसरा ब्रेड भी ले लेते हैं और उस पर भी हम सारे जो मैंने सब्जियां भून करके रखे थे वो सारे हम इस पर डालेंगे और डाल करके इसको भी अच्छी तरीके से हम बिल्कुल फैला देंगे चारों तरफ, चारों कोने में बिल्कुल बराबर से फैलाएंगे। और फिर उस पर ब्रेड रख करके उसे भी हम अच्छी तरीके से दबा देंगे। और दबा करके अब हम इसका जो है कट कर लेते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा कटर लिया है और इसे काट करके हम देख लेते हैं। तो इसी से हम काट रहे हैं
तो एक ब्रेड तो मैंने इसे इसे काट लिया है, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से कट जाता है। तो मैंने एक ब्रेड को काट लिया है और दूसरे ब्रेड को हम नाइफ से काटेंगे, तो इसको भी नाइफ से भी काटने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से कट रहा है। तो हमने इसे चार ब्रेड को चार टुकड़ों में बांट लिया है। अब हम एक टुकड़ा उठाएंगे और इसे घोल में अच्छी तरीके से डुबोकर और फिर तब हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने घोल ले लिया है और इसे फिर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ब्रेड का टुकड़ा डाल करके इसमें अच्छी तरीके से डुबो कर और तब डालेंगे। तब तक आप देख सकते हैं कि मैंने जो तेल गर्म होने के लिए दिया वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें इस तरीके से ब्रेड को आप उठाकर डालें और इसे हम सुनहला होने तक बिल्कुल ही तलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और धीरे धीरे हल्का हल्का उसमें हम ऊपर से भी तेल डाल रहे हैं ताकि ऊपर भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे हल्का सा ब्राउन हो गया है तो उसे हम पलट देंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को जो है पलट देंगे। घर में अगर कोई मेहमान आए तो आप इस तरीके से उनको नाश्ता नए तरीके का नाश्ता आप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम जितने भी मैंने ब्रेड काट के रखे थे मैंने सारे तल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत ही कितना बहुत ही अच्छा आया है और आप देख सकते हैं कि कलर इतना सुंदर आया और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आपको अगर ये ब्रेड की नई रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।